तो अभी हम होटल सरवना भवन में आए हैं। आप ये रोड देख सकते हो, ये जो स्ट्रेट रोड है ये चर्च की तरफ जाता है, बेसिलिका ऑफ आ लेडी ऑफ गुड हेल्थ चर्च की तरफ। यहाँ से राइट लेना पड़ता है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हो अन्नई सरवना भवन। इट्स अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है गाइस। यहाँ पे आके आप लंच या ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं। ये जो अन्नई सरवना भवन है दो है क्या यहाँ पे? एक बीच के साइड में है और ये दो आउटलेट है यहाँ पे, वही सेम नाम से नियर द चर्च। थैंक यू। तो अन्नई होटल सरवना भवन में हम अभी इनके मील्स और लंच आइटम्स ट्राई करने आए हैं। तो अभी हम अन्नई इन सरवना भवन में आए हैं। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और आप इनका मेन्यू कार्ड देख सकते हो। सबसे पहली बात अगर आप नोटिस करोगे उन्होंने ये बनाना लीव्स पे सर्व किया है इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे। और ये रोटी आप देख सकते हो, ये पराठा के स्टाइल में रोटी है। बहुत ही गर्मा गर्म है। प्याज टमाटर और कोरिएंडर डाला है, खट्टा और तीखा और मीठा कॉम्बिनेशन है पनीर बटर मसाला का। परोठा जो है ना वो ठंडा सर्व किया है, गर्म नहीं है। सब्जी जो है पनीर की वो बहुत गर्म है। अगर आप स्पाइसी प्रिफर करते हो तो ये ज्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा स्वीट कॉम्बिनेशन है, खट्टा मीठा तीखा कॉम्बिनेशन है। ये स्पाइसी भी आता है, ये स्पाइसी नहीं है। ये स्पाइसी ऑर्डर करना है तो कौन सा है? कढ़ाई पनीर टिक्का मसाला चिली पनीर, ये जो है ये स्पाइसी आइटम्स है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो वो आप ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि ये स्पाइसी नहीं है, ये बहुत ये थोड़ा स्वीट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका मसाला अच्छा है। ओके, तो ये हमने ये वेज विंग्स ऑर्डर किए हैं और आपका नाम क्या है? ये हम
यहाँ पे बताएंगे क्या है इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे राइस है, ये दही, ये स्वीट पायसम है, सांबर, रसम, ग्रेवी, विच ग्रेवी, दिस इज स्पाइसी ग्रेवी एंड ये भिंडी का, और ये नाइन वेजिटेबल्स। सो इसमें 9 वेजिटेबल्स डाल के ये सब्जी बनाई है। 9 वेजिटेबल्स आर एडेड इन दिस। सो 9 वेजिटेबल्स डाल के ये सब्जी बनाई है, और ये पटेटो की सब्जी है। सबसे पहले अभी चाय, और यहाँ पे पापड़ भी है। सबसे पहले पापड़ ट्राई करते हैं। ये अपलम पापड़ है, अपलम पापड़, अपलम अपलम। राइस को ट्राई करते हैं पहले। ये कुछ दाल बना जो है, ये दाल है, और ये उन्होंने कहा रसम दाल। यहाँ पे ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज आप देख सकते हो, ये लगता है बहुत स्पाइसी होने वाला है। और ये कुछ करी है, इसमें ये थोड़ा करी ले लेते हैं। ये भिंडी की सब्जी है, इन्होंने कोकोनट डाल के बनाई है, ये थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। खट्टा और तीखा टेस्ट आ रहा है इसका। ये जैसे कि इन्होंने बताया 9 वेजिटेबल्स डाल के ये सब्जी बनाई है। मुझे इसमें कैरेट दिख रहा है, बीन्स दिख रहे हैं, क्या आप देख सकते हो बीन्स डाले हैं इसमें, पटेटो की सब्जी ट्राई करते हैं अभी। ये ठीक सिंपल प्रिपरेशन है। ये मुझे लगता है ये पापड़ी जी सर, ये पापड़ी की सब्जी लगती है। ये बहुत मजेदार ग्रेवी, मुझे ये काफी पसंद आया। और ये मिक्स वेजिटेबल्स भी, मतलब ये बहुत अच्छी मसालेदार और स्पाइसी है। तो अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। रसम ट्राई करते हैं। ठीक ठाक है रसम, इसके साथ थोड़ा ट्राई कर लूं। ये भी मुझे अच्छी लगी सब्जी, वो ये सब्जी, ये करी और ये मिक्स वेजिटेबल्स मुझे बहुत पसंद आया। और जैसे आपने देखा, हमने पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था, वो थोड़ा स्वीट कॉम्बिनेशन है। पराठा जो है वो उन्होंने ठंडा सर्व किया, तो मुझे मज़ा नहीं आया, ठंडा परोठा था। लेकिन ये रोटी गर्मा गर्म थी, तो रोटी के साथ पनीर बटर मसाला उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो अभी मैं हम ये लंच को एंजॉय करते हैं और ब्लॉग में आपसे कंटिन्यू करते हैं। तो खाना ख़त्म करने के बाद अभी ये स्वीट पायसम एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोकोनट डाला है और कैशू नट्स भी है।
इसमें साबु देख सकते हो आप, साबुदाना बोलते हैं, तो साबुदाना भी जाता है। अच्छा टेस्ट है, ज्यादा गाढ़ा नहीं है, पाइसन बहुत गाढ़ा बनाते हैं। आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप, तो ये ज्यादा गाढ़ा नहीं है, तो टेस्ट अच्छा है, उन्होंने डाला है इसमें, तो बहुत मजेदार टेस्ट है। When you order for veg meals, you can order extra sabzi. In that you can order extra sabzi. For rice, extra sabzi, extra sambar, extra rasam. Okay. Gravy. Okay. Only for rice you need to pay extra. Rest of rice the sabzi. Only extra. Okay. Okay. Rest sabzi you can order extra. How much is the rice for? Extra if you somebody is ordering. Half plate 26 rupees. Okay. One plate 56 rupees. One plate 56. Okay. वन आदमी खाएगा ना, वन आदमी खाएगा ना, एक्स्ट्रा फी। ओके। वन मील टू नंबर। ओके। खाएगा ना, एक्स्ट्रा पैसा। ओके। आई डाउट यू टू द इडियट। इडियट पर यू नॉट अवेलेबल। इडियट पर ये उन्हें मांग रहे हैं। ये उन्हें 7:30 to 9:00 मॉर्निंग है, तो शायद नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में यहाँ पे आके मैं भी अपन ट्राई करूँगी। लेट्स स्पीड द मार्केट इन मां गंगा पर कोकोनट तमिल तमिल। तो अभी हमें सुबह में आना पड़ेगा, मॉर्निंग में यहाँ पे इडियप्पम मॉर्निंग में अवेलेबल है। एक्चुअली मैं इडियप्पम ट्राई करने के लिए यहाँ पे आई थी, बहुत शोर है। अभी मैं वीडियो डिस्कंटिन्यू करती हूँ, आगे चल के कंटिन्यू करते हैं। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आप देख सकते हो कितना क्राउडेड जगह है, सब लोग लंच के लिए आए हैं। हाउ इज द फूड, खाना कैसा है? आप ब्रेकफास्ट क्या ऑर्डर किया आपने? पोंगल। स्वीट आता है क्या? It's not sweet. Normal. Achha, normal. With salt. It's not sweet, right? Rice. Okay. Or masala dosa. Masala dosa? Nahi, rasa. I'm going to eat it. And this is puri bhaji. Yeah, how is it? Kaisa hai? Nice. Where are you all? Sarvan. Okay. Where are you all coming from? Kerala. Kerala. To visit the shrine. This is the first time you all are coming? No. You all? They are coming for the first time. You visit regularly. Okay. Enjoy. So this is during the peak hours. Bahut rush hai abhi. Subah ke time pe. Sab log shrine visit karne ke liye aaye the basilica mein. How is the breakfast? Tasty. This is the first time you all are coming in? First time. Where are you all coming from? Mumbai. You all are from Mumbai? Wow. So the taste of food is different? The dosa is different? Yeah. It's little different from the Mumbai dosa, what you get, masala dosa. It's different. You all have ordered for dosa and? It's good, right? Enjoy. Merry Christmas to you as well. Thank you. How is the food? Very nice. You all come here regularly? Where are you all coming from? From Mumbai. Okay. The food is tasting different? Very different. The taste is different. Typical South Indian. Okay. Enjoy. Yeah, Merry Christmas to you as well. Thanks. Hello. How is the food? Oh, you all have not started yet. You have ordered for lunch, is it? Yeah. Hindi aata hai aapko? Nahin. English aata hai? Okay. So it's lunch thali that you have ordered. How is it? Madam? Okay.
You all have come here previously. You all like the food? Okay. All right. Enjoy. You all are coming in from? Chennai. From Chennai. Chennai. स्टार्ट होता है सुबह ब्रेकफास्ट 7 बजे स्टार्ट होता है और आफ्टरनून में लंच कितने बजे स्टार्ट होता है 12 से 4 और डिनर का टाइम क्या है 7 से लेके 10 तक ओके ठीक है थैंक यू सो मच आपका नाम मेरा नाम अरविंद अरविंद आप कहाँ से हो मैं नेपाल से नेपाल से हो थैंक यू यू आर दी ओनर जैसे कि इन्होंने बताया इनके दो ब्रांचेस है एक सी साइड है मतलब चर्च के नज़दीक ही तो वहाँ पे भी हम चलेंगे